नमस्कार दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपको शनिवार के दिन करने वाले यह एकमात्र उपाय के बारे में बताएंगे, जिस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। यह उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। ध्यान रहे, स्त्रियां इस उपाय को अपने मासिक धर्म के दौरान बिल्कुल भी ना करें। चलिए जान लेते हैं क्या है यह उपाय। यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन शाम को आप किसी पुराने से पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। पीपल का कोई नया पौधा ना हो, जितना हो सके उतना पुराना वृक्ष हो। जो सर्वाधिक पूजा जाने वाला पीपल वृक्ष हो वह बहुत ही उत्तम माना जाएगा। उसके नीचे जाएं, शाम को थोड़ी सी रोली, लाल कपड़ा, कलावा तथा आटे का दीपक। ध्यान रहे, इसमें आपको आटे का दीपक ही प्रयोग करना है। आटे के दीपक में आप गाय का घी या तिल के तेल ही प्रयोग करें। ध्यान रहे, सरसों का तेल प्रयोग ना करें। इस उपाय को करने के लिए आप सूर्यास्त के समय से 8 बजे तक किसी भी समय कर सकते हैं। 8 बजे के बाद आप इस उपाय को बिल्कुल ना करें। सर्वप्रथम आप पीपल देवता को प्रणाम करें। पीपल देवता पर हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उनको भी नमन करें और अपने पूर्वजों का नाम लेकर उनको भी नमन करें। साथ में शनि देव और हनुमान जी को भी नमन करें। दीपक को पीपल की जड़ में जला दें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप पीपल के वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ें। कोई डाली झुकी हुई हो तो उसी पत्ते पर आप रोली से अपनी जो भी मनोकामना हो उस पर लिख दें। जैसे आप व्यापार के लिए कर रहे हैं तो उस पर व्यापार लिखें। धन लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो उस पर लक्ष्मी लिखें। नौकरी के लिए कर रहे हैं तो उस पर नौकरी लिखें। जो भी परेशानी हो उसे उस पत्ते पर लिख दें। फिर उसी पत्ते वाली डाली के ऊपर आप 7 बार कलावा लपेट दें। बचे हुए कलावे को आप अपने दाएं हाथ में बांध लें। फिर पीपल की छाया में बैठकर अपनी मनोकामना खोल दें। फिर खड़े होकर सभी देवी और देवताओं को नमन करें। अपनी मनोकामना बताएं, बोलें यह हमारी मनोकामना पूरी करें। फिर लाल कपड़े में पीपल की जड़ से एक चुटकी मिट्टी कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इस पोटली को आप अपने घर ले आएं। इस मिट्टी को आप जहां धन रखते हैं वहां पर रख दें। आप इस पोटली को अपने घर से कभी भी बाहर ना फेंकें। आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। या जिस भी कामना से आप यह उपाय कर रहे हैं वह कामना आपकी बहुत जल्द पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।